राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आई रिपीट दिस, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। केतु अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र को छोड़कर हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं। डेट है 4th मार्च 2024 से लेकर 10th नवंबर 2024 तक। देखिए, जो केतु की जो एनर्जी है, केतु इज़ ए प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, सेपरेशन, या हम ये भी सोच सकते हैं केतु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक प्लैनेट भी हैं जिनका कनेक्शन सीधा आपके पास्ट लाइफ के जन्म के साथ है। आपकी ज़िंदगी में हुए कुछ ऐसे कार्य पिछले जन्म में जो अधूरे रह गए थे, वो केतु की 7 साल की महादशा में पूरे होते हैं। या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपका कुछ लेन देन पिछले जन्म में अधूरा था, चाहे वो कर्मों का लेन देन है, पैसे का लेन देन है, किसी किस्म का भी कोई भी गुड डीड्स आपकी पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो केतु की दशा में वो क्लियर होती हैं। केतु एक मोक्षकारी प्लैनेट हैं। केतु इंसान को इनलाइटमेंट की ओर लेके जाते हैं, भक्ति भावना की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, धर्म कर्म की ओर लेके जाते हैं। केतु की जो एनर्जी है वो वन ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी है इन द टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को लेकर। या हम बोल सकते हैं जो लोग खास करके केतु की महादशा के अंडर हैं, या जिनका चंद्रमा केतु के नक्षत्र का है, उनके लिए जो लाइफ है, अगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे, अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे, तो लाइफ में काफ़ी ग्रो करेंगे। लेकिन केतु जो है वो कुछ भी इजी नहीं देते। केतु बड़े इमोशनली प्लैनेट हैं और ऐसे लोग जो होंगे वो इमोशंस में बह कर अपना बड़ा नुकसान करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि 4th मार्च 2024 से लेके 10th नवंबर 2024 तक केतु एंटर इन हस्ता नक्षत्र। अब हस्ता नक्षत्र रूल्ड बाय मून, और मून और केतु का जो आपस में कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। अब हस्ता नक्षत्र के सिंबल है हैंड, हैंड आपका हाथ, हाथ मींस आपकी क्रिएटिविटी। हस्ता नक्षत्र बहुत ही इमोशनल नक्षत्र है, बहुत ही ज़्यादा स्लो नक्षत्र है, लेकिन बड़ा पावरफुल नक्षत्र है। हस्ता नक्षत्र को हम ऐसे भी शॉर्ट में व्याख्या कर सकते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपके रिलेशनशिप आपके मदर के साथ कैसे होंगे, ये हस्त नक्षत्र से पता लगता है। और जिन लोगों का मून हस्त नक्षत्र में है, या जिन लोगों के ऊपर मून और केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिन लोगों का केतु ऑलरेडी बर्थ चार्ट में हस्त नक्षत्र में है, या जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में नीच का है या चंद्रमा एग्जाल्टेड है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो दोस्तों, डेट है 4th मार्च 2024 to 10th of November 2024 व्हेन केतु एंटर इन हस्ता नक्षत्र रूल्ड बाय मून। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। देखिए, आपके लिए 9th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है और वर्गो साइन 9th हाउस में है मरकरी का, भाग्य के घर में, त्रिकोणा भाव में। और केतु जो है 4th मार्च को चित्रा नक्षत्र को छोड़कर हस्ता नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में एंटर करेंगे, मंगल के नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के नक्षत्र में एंटर करेंगे। 4th मार्च से 10th नवंबर तक वहीं पर ट्रांजिट करेंगे। 7th हाउस में मून का जो लॉर्डशिप है आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से है, तो नई पार्टनरशिप यहाँ पे बनेंगी, स्पिरिचुअल जर्नीज यहाँ पर होंगी, फॉरेन ट्रैवल्स यहाँ पर होंगे, धर्म कर्म की ओर रुचि पड़ेगी, चैरिटी आप करेंगे, डोनेशंस आप करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस मल्टीपल जर्नीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। जॉब प्रोफेशन से संबंधित टाइम बहुत अच्छा है, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, धर्म कर्म में आस्था इतनी बढ़ जाएगी कि आपको दुनियादारी की सुती नहीं रहेगी, यानी कि आपका मन बड़ा फोकस्ड रहेगा इस समय धर्म कर्म की ओर, और फॉर्च्यून आपका फेवर में रहेगा, भाग्य में उन्नति रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेंगे। अनमैरिड लोगों के लिए रिश्ते की अपॉर्चुनिटी आएगी, या आप ऑलरेडी अफेयर में हैं तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, मैरिड एंड स्पाउस के साथ रिश्ते बड़े अच्छे होंगे। दिस अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू। त्रिकोणा भाव में केतु का गोचर हस्ता नक्षत्र में इमोशनली जरूर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या आप थोड़े से इमोशनल बन जाएंगे, आपकी नेचर और स्वभाव में कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन भाग्य का
भरपूर सहारा आपको मिलेगा, नई पार्टनरशिप किसी के साथ होगी जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव और बड़ी फ्रूटफुल रहेगी, जिससे फाइनेंशियल टाई अप्स आपके बेटर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए, आपके लिए जो कन्या राशि पड़ती है वो 8th हाउस में है, जहां पर केतु का गोचर हो रहा है, और वो 4th मार्च को केतु चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के नक्षत्र में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 10th नवंबर 2024 तक। अब आपके 8th हाउस में मरकरी, मून और केतु की एनर्जीज हैं, और आपके हॉरोस्कोप में मून का जो हाउस है वो आपका 6th हाउस है। 6th हाउस में जो लॉर्डशिप है वो मून के पास है, और केतु 6th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। देखिए, ये टाइम फ्रेम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। 4th मार्च से 10th नवंबर के बीच डेप्थ्स आपके बढ़ेंगे, लेकिन प्लस पॉइंट ये कि फॉरेन ट्रैवल्स आपके होंगे या फॉरेन सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप उसको अवेल करेंगे तो आपके लिए चीज़ें फार फार बेटर हो जाएंगी, लेकिन कर्जे की स्थिति बढ़ेगी, मानसिक दबाव बढ़ेगा, मन परेशान रहेगा, उतावला रहेगा, बेचैन रहेगा, आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, पैसा पानी की तरह बहेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, वेस्टेज ऑफ मनी होगी, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी ना होंगी। ये सारा टाइम आपको बहुत अलर्ट होकर चलना, कोई नियर डियर आपको चीट कर सकता है। स्पाउस के साथ रिश्ते नहीं खराब होने देने, मदर के साथ बॉन्डिंग नहीं खराब होने देनी, मदर के चरण स्पर्श करते रहें। मदर से एक वाइट हैंकी में, नया हैंकी हो, थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का और साथ में $150 या ₹100, ₹200 गांठ मारकर अपने पास रख लें। मंडे वाले दिन उनके चरण स्पर्श करके उनसे लें, एज ए गिफ्ट लें, जो अपने पास रखें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मदर के चरण स्पर्श जरूर करने, मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, मदर की इजाज़त के बिना आपने कोई बड़ा डिसीजन इस समय में नहीं लेना। अपने खर्चों को ना बढ़ाएं, अपने खर्चों की ओर ध्यान दे के चलें, किसी की बातों में ना आएं। फॉरेन रिलेटेड अगर एक्टिविटीज़ आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसमें आपने इन्वॉल्व ज़रूर होना है, उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर आपका भाग्य छुपा हुआ है और फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटी से आपको बेनिफिट भी रहेगा। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट में लॉस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से लॉस हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट दिस टाइम व्हेन यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस, anxiety, tension, depression. Need to be careful about your health. So let's talk about Pisces, Sanus, Mean Lagan. सप्तम भाव में केतु का गोचर हो रहा है, कन्या राशि भी वहीं पे है, और केतु 4th मार्च को चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के अस्था नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। 5th हाउस के लॉर्डशिप की नक्षत्र में गोचर होगा, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, नई पार्टनरशिप यहाँ पे होगी। 4th मार्च से 10th नवंबर तक का पीरियड आपके लिए पार्टनरशिप्स के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन अपने स्पाउस के साथ रिश्ते बचा के चलें। बहुत ज़्यादा आपने अच्छी बॉन्डिंग में चलना है, किसी ओल्ड पार्टनर के साथ नई रिश्ते खराब करने की, नया पार्टनर मिल रहा तो पुराने को लात मार दी, ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें, और अपने स्पाउस की ओर फोकस होकर चलें। करेक्टर आपने ख़राब नहीं होने देना, ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होना। दिस होल टाइम यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट गाइस, ये समय आपके लिए जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे और जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा अपने स्पाउस को, बिजनेस पार्टनर्स को रिस्पेक्ट देंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ऑपोजिशन आपको तंग करेगा, एनिमीज़ आपको तंग करेंगे, आपके जो कंपिटिटर्स हैं आपको तंग करेंगे, ओपन एनिमीज़ आपको परेशान करेंगे, जिस वजह से मेंटल स्ट्रेस के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। कहीं अगर आपने बिजनेस पार्टनर, स्पाउस के साथ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो आपसे संभलेगी नहीं। तो 4th मार्च to 10th of November 2024, you need to be careful while talking with the business partner and your spouse. This whole time create a lot of unbalancing situation in the terms of your personal life. अगर आप balance नहीं बनाते तो ये चीज़ें वाहियात हो जाएंगी, worst हो जाएंगी। Partners के साथ नए partners ज़रूर मिलेंगे, कुछ अचानक धन लाभ भी आपको होगा, लेकिन आपके नए दोस्त अगर बन रहे हैं तो पुराने दोस्तों को आपने छोड़ना नहीं है। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी, मून, केतु वेल प्लेस नहीं है तो ये टाइम क्रूशियल रहेगा, डिवोर्स तक की नौबत होगी, पार्टनर के साथ लफड़ा होगा, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर। लेकिन मरकरी, मून और केतु अगर आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है तो ये टाइम आपको कुछ फाइनेंशियल गेंस भी देगा। सो स्टे होम मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।